on how to approach research in social science, conceptualization and methodological intervention. It is a semester-long program which started in July 2020 and it will last till December 2020. This is organized by Savitribai Phule Mahila PG Mahavidyalaya Sikar in association with Knowledge Partners, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar, Department of Geography, Government Arts College Sikar, Department of Geography, Government Lohia College Churu. Till now, we have completed 33 sessions in this program. And today it is 34th session with eminent geographer and statistician, Professor Aslam Mahmood Sir. He is retired professor from CSIRD JNU. Today he will speak on causal analysis and he will take regression analysis here. We had already one session with Professor Aslam Mahmood Sir on measures of association. So this is a connecting session of that. That is a part two of measures of association. And before calling Professor Aslam Sir, I will call Ayushi Jain for the recap of the previous session in Hindi. Main pichle satr ki Hindi mein report prastut karne ke liye Ayushi Jain ko aamantrit karta hoon. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं आप सभी के समक्ष दिनांक 8 नवंबर 2020 को आयोजित 33वें सत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूं. सत्र का आरंभ डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी द्वारा किया गया. इसके पश्चात डॉक्टर चंद्रकांता एवं भरत जी सोनी द्वारा क्रमशः अंग्रेजी व हिंदी में दत्त सत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. सत्र को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रविन्द्र कुमार ने प्रोफेसर महमूद असलम जी को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया. व्याख्यान का विषय था अपकिरण के माप. डॉक्टर महमूद असलम ने तथ्यों में असमानता को समझाते हुए अपने व्याख्यान का आरंभ किया. आपने बताया कि जब सामाजिक विज्ञान में शोध के दौरान तथ्य संग्रहित किए जाते हैं तो स्थान, परिस्थिति अथवा उत्तरदाता की मन स्थिति के कारण तथ्यों में असमानता आ जाती है. अतः शोध कार्य में प्रयोग करने के लिए तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करते समय यह असमानता दूर करना आवश्यक है. इस असमानता के मापन के लिए विस्तार अथवा परास, मानक विचलन, विचरण गुणांक, प्रसरण, असमानता सूचकांक, लोरेंज वक्र, गिनी के संकेंद्रण अनुपात और तेल की एंट्रोपी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है. आपने उक्त सभी को उदाहरण देकर विस्तार से समझाया. इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है. प्रसार अपकिरण की माप का सबसे आसान तरीका है, परंतु यह न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का अंतर होने से अधिक स्पष्ट नहीं होता. अतः अधिक स्पष्टीकरण के लिए मानक विचलन, विचरण गुणांक व प्रसरण का प्रयोग किया जाता है, जिनके मापन में सभी मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है. जबकि तथ्यों के वितरण में अपकिरण दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका लॉरेंज वक्र को माना जाता है, जिसमें लॉरेंज वक्र और समान वितरण रेखा के मध्य दूरी से अपकिरण का अवलोकन आसानी से किया जा सकता है. यदि अपकिरण का गहनता से अध्ययन करना है तो गिनी के संकेंद्रण अनुपात एवं भौतिकी के नियमों पर आधारित थेल के एंट्रोपी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी ने व्याख्यान का हिंदी में संक्षिप्त एवं सार गर्भित अनुवाद प्रस्तुत किया. इसके बाद प्रोफेसर महमूद असलम ने प्रश्न उत्तर भाग में प्रतिभागियों को उद्देश्य अथवा तथ्यों की प्रकृति के अनुरूप माध्य, माध्यता एवं बहुलता का प्रयोग समझाया तथा मौसम असिस्टेंट प्रोफेसर मौसम बादल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सत्र का समापन किया. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आयुषी. आपने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से कल के व्याख्यान को यहाँ पर संक्षिप्त में प्रस्तुत किया. एंड नाउ फॉर रिपोर्ट इन इंग्लिश आई रिक्वेस्ट अर्पिता गिरी. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. द 33rd लेक्चर ऑफ ऑनलाइन रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 8 नवंबर 2020. The topic of the discussion was measure of dispersion, measure of inequality. The speaker of the lecture was Professor Aslam Mahmood. Professor Aslam Mahmood was formerly associated with CSIRD JNU. He is a geographer, statistician, and has various books and articles on his account. He has also worked as a consultant and advisor with NCERT and UN agencies. It was the first session of the 2 days lecture series on the statistical technique in social sciences. Yesterday's lecture was focused on measure of inequality and its application.
Professor Mehmood, in the beginning of the lecture, introduced participants about the mathematical and statistical approaches in quantitative analysis. Speaker elaborated that in pure sciences, responses are exact in nature and one case is sufficient to get the result. There is no need of repeating this experiment because repetition will give the identical result every time. On the other hand, in social science research, responses are not accurate in nature. If we observe a phenomena repeatedly, it may not give identical result. There is always a possibility of error. That error can only be found and minimized using statistical methods. Professor Mehmood thereafter mentioned about aggregation theory. It assumes that error is caused by so many behavioral factors and that can be minimized by having large responses. Explaining the concept, speaker said it can be effective if we talk more and more respondent. Unlike pure research, social researches cannot be represented via small samples. Thereafter, speaker briefly touched upon some topics like data collection, data tabulation, graphic representation of table, measures of central tendencies, mean, median, and mode. The speaker emphasized that such descriptive statistical analysis provided limited analysis and do not cover the internal dimension of social reality. Talking about inequality, Mr. Mehmood said there are different dimensions of inequality exist in our society. Sometimes it is due to structural factors like geographical variation and sometimes man-made policies like industrialization and urbanization, which causes inequality. Then speaker talked about following methods to measure this inequality via statistical techniques. It includes range, standard deviation and coefficient of variation, index of dissimilarity, Lorentz curve, Gini's concentration ratio, Thiele's index. Speaker explained these methods via an example of land holding among farmers in two different areas. In the subsequent session, speaker explained how each methods help us in understanding the different dimension of equality with regard to the land holding among farmers in both the areas. The session was ended with a quick summary in Hindi presented by Dr. Jitendra Soni and a thank you note by Dr. Mausam Badal. Thank you so much. Thank you. Thank you, Arpita. You have covered almost all dimensions, all aspects of the lecture, which sir covered yesterday. And we are very much familiar with sir now because it is third session with Professor Aslam Mehmood sir. So I'll give only brief introduction that sir, the first introduction is that sir is my sir. And because he has guided me in my MPhil and PhD, and he is retired from CSIRD, JNU. Basically a trained statistician and turned geographer later on and did PhD from CSIRD only. And he taught almost more than three decades to the students of geography and having many books in his credit and articles in various national and international reputed journals. And he has written many books or supervised many books which are written for the students of various parts of India, that is by NCERT. And he has also been consultant with various groups. So now, without wasting any time, I will call sir for presenting a session on Measures of Association Part 2, so where he will focus on regression analysis. Sir, over to you. Sir, please unmute yourself. Okay. Yes, sir. Very warm welcome to all of you, and thank you, Dr. Soni, for giving me extra time to address to your participants. And I thank participants also for their patience in listening to me. I do not know to what extent I will be useful to you, but I will try to explain some of very important things in social research, quantitative techniques thing. And I would like to simplify them also. You see, my basic objective of any lecture is, because I am basically trained in
physics, mathematics, statistics all through my life. But my participants, my listeners are not. So this is the experience I gained in School of Social Sciences, JNU, where both of us used to have trouble of communication between. So I toned down myself to the level of students of social sciences, carrying the main essence of quantitative techniques, but not using the jargons. Because this is the mathematical jargons which disturbs our student of social sciences more. But otherwise, you know, in understanding statistics is nothing. It is, and also mathematics. The only thing is that you try to mastery over it and you gain mastery over the subject without any difficulty if you are able to remove the phobia of mathematics. People are very much, most of the time, people are very much afraid. They underestimate themselves that they cannot understand mathematics because it's very dry, it is very abstract and very difficult. Nothing like this. You try to understand it right from the basic. Then within a few days, you will find that your phobia was foundless and there is nothing so frightening about it. Now, today we are going to discuss with causal analysis part two, which consists of regression analysis. In fact, it is nothing but the extension of correlation analysis. Today's session is going to be more productive, more interesting. I would request you to pay a little more attention to it because it will be very useful to you also. Most of you, if you are able to follow it, you will find it very useful in your empirical research, either in your PhD or in your postdoctoral work. Why I am saying this? Because my experience says that regression analysis, I think out of the entire research in social sciences, more than 50% of the research revolves around correlation analysis and regression analysis. You will find that whatever topic or whatever design of your study is, you sometime or the other will be boiling down to using correlation and regression analysis. So if I, as Dr. Jitendra requested me yesterday that when I start causal analysis two, I give a brief summary of causal analysis one also. So I would like to give you a brief summary. See, basically, scientific inquiry proceeds with understanding phenomena at one stage and second stage and third stage. And the final stage is to explain the phenomena. How come a phenomena happens? Why we are interested into it? Because we want to control the forces. The human nature is to control the natural forces for the betterment of the human society. Some of the forces are directly under our control. Some of the forces are not directly under control. So those forces which are directly under control, say for example, we can make a dam and bring water to the fields. This is directly under control to raise agricultural productivity. But some of the factors which are not under our control. So we would like to know what are the forces which determine the course of those factors, like rainfall. Rainfall is not directly under our control. A lot of research is going on to see what is that on the ground which affect the rainfall. It is the vegetation, is it the urbanization, is it something? So that
if you cannot control rainfall and you come to know about the causes of rainfall, so perhaps you can raise the rainfall in the areas, not through direct, through indirect causes, and so on and so forth. Say for you also do not know that other than rain irrigation, what are other forces through which you can control the rainfall? So you would like to know about taking rainfall as a effect, or agriculture production as an effect. You will try to find out what are the causes of agriculture. Now, there are laboratories in agriculture sciences which are carrying out the experimentation of seeing how the moisture, how the micronutrients, how other factors go into the ground and provide nutrition to the plant and the plant grows. This is one way of, this is the analytical way of finding out the causes of an effect. This is analytical way. Now, what statistics provide you? Statistics provide you empirical way that you see how things are growing together. You hunch out 5, 6, or 7 things which may be the probable cause of an effect. And then you collect the data empirically and you see what is their movement and what is the movement of, say, agriculture production. And if you find a covariation between the two, you can always hunch out that your hypothetical or your hypothesis of X1 or X2 being affecting the dependent variable perhaps is true, because the two are moving in the desired direction as you hypothesize. Such an analysis is known as empirical analysis. So statistical analysis are always empirical analysis. There is no analysis goes, analytical approach goes on to it. What their job is, or what their responsibility is, to validate or invalidate a given proposition. Somebody proposes that agriculture production and rainfall go together, in which rainfall is an independent variable and agriculture production is the dependent variable. You are not. If they are not going together, you challenge the hypothesis. As I said, that for every thesis, there is a antithesis, and a synthesis takes place and a new thesis comes up. So statistics plays a very important role in checking out a thesis and finding out antithesis if thesis doesn't qualify universally. And then a synthesis also is done by the scholars and a new thesis comes and the process keeps on moving. So this is basically, you should always keep in your mind that statistical analysis is empirical analysis. And whatever correlation you are getting, they are empirical relations. You cannot justify them in terms of, as an agricultural scientist. You can say that there is a hunch behind this, and there's a hypothesis that when it goes underground, and the water nature of the water is favorable, perhaps it results and you are getting it. So if some agriculture scientist gives the theory, it is a validation of that theory. This is one thing you should always keep. Therefore, what is more important, that you can never have a statistical analysis which is empirical analysis without any theoretical analysis. So you have
statistical and the theoretical is generally known as deductive and empirical is known as inductive. So you have inductive approach to validate or invalidate a deductive philosophy, the results of the deductive philosophy. So you have to have a theory before you go for any empirical analysis of correlation or as a matter of fact, regression also. You do not have statistics that provide you a theory. It is only a method to verify the theory. This always keeps you. Because that is why a research goes into parallel ways, empirical research as well as theoretical research. Theoretical research keeps on moving as directed by empirical research. If empirical is, because theory talks about the ground situation and ground situation has to match by the data. If ground theoretical situation is not matching with the ground situation, it monitors the movement of theory. Look here, you are going somewhere wrong because things are propounded by your theory are not matching with your reality. So you better go and check your theory once again. Right? Now the problem statistician solves is how to see whether the data provided by the field on two variables, how to see whether they are going in the right, they are going together or not. Or if they are going together, in what manner they are going together. This is what is the contribution of statistics. And this is what we discuss. In that we discuss that if you take one variable, if you take a bivariate set of data for say 20 observation, 20 years data for agriculture production and rainfall. So you have a set of two numbers, a set of 20 numbers, 20, a 20 set of two numbers. And if you consider one number as X coordinate and Y as the Y coordinate, the second number as Y coordinate, you can have 20 points plotted on a graph paper for the bivariate data related to 20 observations. Now the graph of this kind is known as a scatter graph, scatter plot. And the shape of the scatter plot will tell you whether the two are going together. And if they are going together, whether they are going in the positive correlation manner or in the negative way, and so on and so forth. And the whole theory from graphs to mathematics is extended on this from this logic. To this, I think we summarize the causal analysis one. Now we enter into from causal analysis one, we enter into causal analysis two. Now, yes? Sir, thoda hindi istemal karna hai. Yes, sir. To hum sahasambandh, correlation, jo do hamare jo variables hain, ya char hain, jo do variables hain, wo एक साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसको हम ग्राफ से समझा सकते हैं अगर हम अब 20 या 40 या जितने भी नंबर के हमें ऑब्जर्वेशंस हैं उनके हर ऑब्जर्वेशन के दो-दो वेरिएबल जिनके बारे में हमें ये देखना है कि इनमें सहसंबंध है या नहीं है जैसे एक हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दूसरा हो सकता है रेनफॉल तो इस हर हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चर एक साल का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एक साल का रेनफॉल एवरेज एनुअल रेनफॉल जिसे हम कहते हैं ले और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम x एक्सिस माने
और रेनफॉल को वाई एक्सिस माने तो हमें दोनों ऑब्जर्वेशंस के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल, वाई एक्सिस पे दूसरा वेरिएबल, तो ऐसे 20-30 पॉइंट मिल जाएंगे। इन जो बिंदु हैं इनका जो जमघट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बताएगा कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है वो एक जगह पे हमें दिखाई दे जाएगी। मैथमेटिकली हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है उस रियलिटी को, वेदर वो दो वेरिएबल एक साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप गांव में रहेंगे, एक गांव में दूसरे गांव में क्या हो रहा है, तीसरे गांव में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन डेटा उठा के अगर आप उसको ग्राफ पर रख देंगे तो 20 या 25 या 100-200 गांव का या शहरों का डेटा आपके सामने आ गया, तो उससे जो अंडरलाइंग रियलिटी है जो आप एक बार में नहीं देख सकते, डेटा क्योंकि सब जगह से आया है उसको ग्राफ पर रखने से आपको बड़ी अच्छी तरह से उस जमघट से उसके अंदर क्या टेंडेंसी ये पता चल जाएगी। जैसे हम दिखाते हैं आपको, हम अभी फिर इस पे आएंगे लौट करके, ये है जैसे ये हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 20 सालों का या 20 डिस्ट्रिक्ट्स का प्लॉट किया है, तो ये जो बिंदुओं का जो जमघट है ये बता रहा है कि उल्टा जा रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। तो ये हमको एक सोचने का मटेरियल प्रोवाइड करता है कि क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, ग्राफ हमको बता देता है। ये ग्राफ्स की बड़ी उपयोगिता है कि बिखरी हुई चीजों को एक जगह इकट्ठा करके हमको एक कंसोलिडेटेड पिक्चर बता देता है। अब हम इसमें मैथमेटिक्स लगाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे, तो ये तो बुनियाद है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसके ये जो बिंदुओं का जो जमघट है ग्राफ के ऊपर इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। इसे हम ये कितना लाइन के करीब है उतने ही सहसंबंध ज्यादा अच्छा है, मजबूत है, और जितने ही ये स्कैटर पॉइंट जो हैं ये लाइन से दूर होंगे उतने ही ये सहसंबंध जो है कमजोर होगा। अगर हम ये कहें तो इसमें सब हमसे एग्री करेंगे। इस चीज को हम न्यूमेरिकली भी नाप सकते हैं, ये तो ग्राफिकली हमको पता चल गया। अगर दो ग्राफ हो, एक में थोड़ा ज्यादा सहसंबंध हो एक में थोड़ा कम हो, तो ग्राफ की मजबूरी ये है कि प्रिसाइज नहीं होता है, एक नंबर नहीं है, 20 पॉइंट्स हैं, हम किसको किससे कंपेयर करें, तो इस पूरे को समराइज कर सकते हैं हम एक पॉइंट से जो हमें ये बताएगा कि इसके अंदर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ज्यादा कितनी है और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप कितना है। तो ये जो हम आपको बताएंगे एक सूत्र है इसका, जिसको पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, वो सूत्र इस तरह का है कि अगर इसमें नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो वो सूत्र में भी नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव, अगर ये उल्टा जाता इस तरह से जाता, यूं जाता यहां से ऐसे जाता, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, तो वो सूत्र भी पॉजिटिव आएगा, तो वो बताता है, डिग्री भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। डिग्री कैसे बताता है कि वो उसकी जो संख्या है वो जीरो से लेके प्लस वन तक है अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, और जीरो से लेके माइनस वन तक है अगर नेगेटिव कोरिलेशन। अगर वो सूत्र की वैल्यू आखिर में जीरो के करीब है तो इन कोई संबंध नहीं है, जीरो है तो कोई संबंध नहीं है, जीरो के करीब है तो बहुत थोड़ा संबंध है, और जितना वो वन के करीब है, अगर ये सारे बिंदु लाइन पे आ जाएं तो वो कोरिलेशन की वैल्यू वन हो जाएगी, माइनस वन,
और अगर प्लस वन होता तो प्लस वन हो जाती है। तो वो सहसंबंध हमने दिया हुआ है, पिछले इसमें दिया हुआ है क्या है, उसका फार्मूला एक है, आप देख लीजिएगा। अब इसमें पूरी स्टेटिस्टिक्स में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज जो निकल रही है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकल रही है। कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपके बहुत ज्यादा हैं तो उस चीज को बड़ा क्रेडिबिलिटी मिलती है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके कम हैं तो उसको उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है। उसके लिए हमें एक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, हर चीज के लिए हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब भी हम ये सूत्र लगाएंगे और उनको एक से कंपेयर करेंगे, किसी में 40 होंगे, किसी में 70 होंगे, तो अगर उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर हों तो आप कंपेयर कर सकते हो उनको एज सच। लेकिन चूंकि सब में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको उनके टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना पड़ता है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप ये चीज ध्यान हमेशा रखें कि जब भी हम रिग्रेशन कोफिशियंट बनाएंगे, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, अब इंटरसेप्ट निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे, हमको उसका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जरूर कैरी आउट करना। अगर हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बगैर वो वैल्यू दे देते हैं तो अगर हम पीएचडी में दे रहे हैं तो फौरन वापस आ जाएगी एग्जामिनर के कमेंट के साथ कि इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्यों नहीं लगाया है। तो आपको अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टेटिस्टिक्स आप लगाएं उस दिस इट शुड ऑलवेज एकंपनी बाय टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। अब हमने जब ये देखा कि कोरिलेशन है, सहसंबंध है, पिछले वाले में हमने दिखाया है था कि दो पॉजिटिव हैं, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो कोरिलेशन से हम बता देंगे कि इसमें ज्यादा या कम है, या नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया, हमने देख लिया अभी बहुत अच्छा कोरिलेशन है, नेगेटिव है और स्ट्रांग भी दिख रहा है, लेकिन हम इसका करें क्या? क्या हम इसे ये बता सकते हैं कि अगर हम और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और कम होगा? ये बता रहा है कि कम होगा, लेकिन कितना बढ़ाएं कि कितना कम हो जाए ये नहीं बता रहा है, यह बता रहा है, आप कोई बता सकता है? हम ये नहीं बता सकते कि कितना हम या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर कम होगा तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये नहीं बता रहा है, क्योंकि ये जो स्कैटर्ड प्लॉट है ये हमको रिलेशनशिप ग्राफिकल दिखा रहा है, मैथमेटिकल नहीं दिखा रहा है। ग्राफिकल का मतलब यह हुआ कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दो हुआ इंडेक्स तो इसको उठा के देखें कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा ये तो हमें नहीं पता चल रहा। हम अगर इस लाइन को यहाँ तक ले आए तो जहाँ पे ये काटेगा हम कह सकते हैं कि यहाँ है, लेकिन लाइन तो है नहीं, कोरिलेशन में कोई लाइन तो है नहीं, कोरिलेशन ये तो लाइन हम अभी अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, लेकिन इस लाइन की सुविधा को हम बढ़ा देते हैं, हम इसको कोशिश ये करते हैं कि हम जब भी स्कैटर प्लॉट हो तो हम उसको एक लाइन के जरिए रिप्लेस कर दें। अगर हम इस स्कैटर प्लॉट को इस लाइन से रिप्लेस कर देंगे तो हमें ये एडवांटेज होगी कि हम ये पता कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू वो कितनी होगी, जहाँ ये यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर उठाएं और जहाँ पे ये लाइन को कट करेगा वहाँ से हम y की वैल्यू यहाँ पे देख लें y एक्सिस पे, ये हम कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है एक लाइन की, हम अगर लाइन बना भी लें तो ग्राफ की लाइन से हम कौन सी लाइन बनाएं? हम एक लाइन बनाएंगे, आप कोई दूसरी लाइन बना दोगे, कोई तीसरी लाइन भी बना सकता है,
हर आदमी ये कहेगा कि आपकी लाइन अच्छी नहीं, हम जो बना रहे हैं ये लाइन ज्यादा लाइनों से करीब जा रही है। तो हमारी दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है बड़ी बुनियादी लाइन है, इसी को रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अब सवाल ये कि ये लाइन कैसे आती है और कैसे चुनी जाती है, इस लाइन को फायदा क्या है? ग्राफ पे तो हम खींच सकते हैं लाइन, और ग्राफ पे हमें यही है कि हमको ग्राफिकल मेथड से ही उसकी और सारे मैनिपुलेशन करना पड़ेंगे। तो ग्राफ के बजाय हम ये भी कर सकते हैं, हमको ये सुविधा है, हर लाइन की ग्राफ की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। जैसे इस ग्राफ की इक्वेशन जो है वो ये है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हर ग्राफ की, हर लाइन की जो, या कोई भी पैटर्न हो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो उसकी एक अगर लाइन में है वो या कर्व में है, तो उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जा सकती है। और ये हमारा जो स्कैटर है ये लाइन में नहीं है, तो हम इसको एक लाइन, जो अप्रोक्सीमेट लाइन इसके बीच से जा सकती है, उसके द्वारा इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इस लाइन, इस स्कैटर की जगह हम एक लाइन खींच दें जो इस स्कैटर को अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करती हो, तो हम उस इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को हम रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप मान सकते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ से हम मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सारी ग्राफ से, और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये एग्री करें कि ये ग्राफ जो है एक लाइन के जरिए अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, तो हमारी दूसरी समस्या ये होगी कि हम वो लाइन कैसे बनाएं। पहले तो हमने ये समस्या किया, इस पे एग्री किए कि ये स्कैटर जो है लाइन के जरिए बेस्ट अप्रोक्सीमेट हो सकता है। हो सकता है कि कोई कर्व भी हो सकता हो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए, लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि इस तरह का स्कैटर है हमारा कि जो लीनियर है, एक लाइन सफिशिएंट है इसको अप्रोक्सीमेट करने की। तो लाइन के बजाय हम इस स्कैटर प्लॉट के बजाय हम इस लाइन को बता सकते हैं कि ये जो दो वेरिएबल हैं वो ये रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, जो ये लाइन रिलेशनशिप फॉलो कर रही है। और जब हम ये तय कर लेंगे कि ये लाइन हमने मान ली है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है मैथमेटिकल, वो ये होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दैट इसका मतलब ये हुआ कि हमको उस लाइन की वैल्यू, ये क्या है, इसमें a जो वो पॉइंट है जहां पे लाइन, जब हम बी एक्स में x को जीरो कर दें तो ये तो जीरो हो गया, ये पॉइंट जीरो हो गया, y इज इक्वल टू a आ गया। तो कहां पे x जीरो होता है, y एक्सिस पे। यहाँ पे x जीरो है तो y की वैल्यू आ गई, ये जो a की वैल्यू है जहां पे ये y एक्सिस को काट रही है लाइन, वो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें एक पॉइंट मालूम हो गया a। दूसरा पॉइंट ये मालूम हुआ कि ये b जो है, ये है रेट स्लोप, लाइन का स्लोप है। कैसे आप मालूम करते हैं इसको, आप कोई दो पॉइंट ले दीजिए लाइन पे, उसका x ले लीजिए, उसका y ले लीजिए, ये पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इसका x ले लीजिए, y ले लीजिए, तो x के डिफरेंस, y के डिफरेंस को x के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो आमतौर से जब हम अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन पता करना हो, तो हम ये करके पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि उस स्कैटर में जो हमें दिया हुआ है, या लाइन में जहाँ पे उसका हमें एक पॉइंट मालूम हो जाए जहाँ पे वाई एक्सिस को काटती है लाइन,
और दूसरा उसका रेट ऑफ स्लोप मालूम हो जाए तो हम लाइन खींच सकते हैं, या दो कोई पॉइंट हम ले लें लाइन के, एक पॉइंट ये ले लें एक्स एक्सिस पे क्या है वाई एक्सिस क्या है, एक पॉइंट ये ले लें एक्स एक्सिस क्या है वाई एक्सिस क्या है, दोनों को मिला दें तो लाइन हो। लेकिन सवाल यह है कि हमने ए और बी मालूम कर लिया, तो अब आपने एक लाइन खींची, आपने उसका ए और बी पता कर लिया, हमने कहा नहीं नहीं आपकी लाइन जो है वो ठीक से नहीं जा रही, हम जो दूसरी लाइन ले रहे हैं वो ज्यादा जमघट के बीच से जा रही है, तो आप अपना ए और बी अपना लेके आ जाएंगे, कोई और भी करेगा वो अपना ए और बी लेके आ जाएगा। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं जितेंद्र? कोई आप बताएं आप कैसे? यस सर, जो मैं कह रहा हूं ठीक समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? नहीं सर बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। असल चीज ये है कि लाइन का ए पता करना और लाइन का बी पता करना। यस सर। अगर हमें वो लाइन जो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं उसका, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ए को कहते हैं इंटरसेप्ट और बी को कहते हैं स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहाँ कहेंगे। अगर हमें इंटरसेप्ट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों पता हो जाए तो हमें लाइन मालूम हो गई। कोई भी लाइन जिसका एक, कोई भी दो लाइन ऐसी नहीं हो सकती जिसका ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम हो। अगर ए की वैल्यू गिवन है बी की वैल्यू गिवन है तो वो एक ही लाइन होगी, दो लाइनें नहीं हो सकती। तो एक लाइन पता करने का मतलब यह है कि आप ए की वैल्यू पता कर लीजिए, आप बी की वैल्यू पता कर लीजिए, आपको अपनी लाइन मिल गई, हमें हमारी लाइन मिल गई, जितेंद्र को जितेंद्र की लाइन मिल गई, तो झगड़ा हो गया कि कौन सी लाइन ली जाए। तो हम ये कहेंगे कि एक लाइन वो ली जाए कि जिसमें ये पॉइंट, जब हम ये लाइन ले रहे हैं, जब हम एक्स की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू इसमें आ रही है 18 के करीब, और ये पॉइंट दे रहा है वाई की वैल्यू 16, ये वाला पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है ये, तो दो का डिफरेंस आया। इसी तरह के इसमें से हमने डिफरेंस दिया, एक में प्लस डिफरेंस आया एक में माइनस डिफरेंस आया, इसी तरह से दूसरे पॉइंट ले लिए एक्स की वैल्यू रख के हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू से कुछ ऊपर आ रही है कुछ नीचे जा रही है, तो कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर हम ये डिफरेंस निकालें और एस्टिमेटेड वैल्यू को वाई हैट कहें तो वाई माइनस वाई हैट हो गया। तो ये हम सारे पॉइंट्स का निकाल लें और इसको जोड़ दें तो हम ये कहेंगे कि अच्छी लाइन वो होगी जिसमें ये डिफरेंस कम से कम हो। लेकिन जब ये डिफरेंस निकालते हैं इसमें एक बड़ी खराबी है कि माइनस डिफरेंस भी अगर बड़े बड़े हैं और प्लस डिफरेंसेस भी बड़े बड़े हैं तो समेशन में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है। तो उसका समाधान क्या होता है कि बजाय हम डिफरेंस निकालने के डिफरेंस का स्क्वायर निकालें और उसको ऐड करें, और जो जो सबसे कम दे लाइन, हम 4-5-6 लाइनें निकालें या 100 लाइनें 200 लाइनें निकालें, और हर लाइन में से हम पहले एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें फिर उनका डिफरेंस निकालें उनके स्क्वायर करके जोड़ दें, तो 100 लाइन में से एक लाइन होगी जिसका सबसे कम होगा, तो हम वो लाइन चुन लें। तो कितना मुश्किल काम है ये, है ना? तो इसके लिए मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। हम क्या करें, थ्योरेटिकली हम ये इस समेशन को इन टर्म्स ऑफ ए और बी, कुछ इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो अभी इस वक्त जाने का वो नहीं है, इसको निकाल के और उसको मैथमेटिक्स की मदद से करते हैं कि कौन सी वैल्यू ए की और कौन सी वैल्यू बी की ऐसी होगी। मैथमेटिक्स का ये जादू है कि आपको बता देगी कि आप पहले थ्योरेटिकली निकाल लो, फिर वो बता देगी कि ए, अगर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है तो ये वैल्यू से आप करोगे तो मिनिमम आएगा, और कोई आप वैल्यू लगा लो
मिनिमम इससे ज्यादा आएगा, तो वो कौन सी वैल्यू है ए की, वो वैल्यू बी की वैल्यू ये दिखाई है, देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू ये है और यहाँ पे बीवी की वैल्यू लगा दें और वाई का बार ले दें, ये एक्स का बार ले दें, तो ये ए की वैल्यू है। तो मैथमेटिक्स ये बताती है हमको कि अगर हम बी का ये फार्मूला लगाएं और ए का ये फार्मूला लगा के एक लाइन ऐसी बनाएं जिसका ए इक्वल टू दिस मच हो, बी इक्वल टू दिस मच हो, तो जितने पॉइंट्स उसके आर ऊपर नीचे जा रहे हैं उनका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन जो है मिनिमम होगा कंपेयर टू एनी अदर वैल्यू ऑफ ए आर बी। इस प्रिंसिपल को, ये जो सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और इस रिग्रेशन लाइन को कहते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ओ एल एस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। और इस लाइन को कहते हैं रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसको कहेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। क्यों हम इसको रिग्रेशन कहते हैं ये भी आप समझ लें कि ये एक संबंध है बिटवीन वाई और एक्स, और ये संबंध वाई को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है मनमाने ढंग से, ये वाई को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है अपने, ये उसको रोक रहा है, उसको कंस्ट्रेन कर रहा है कि आप ज्यादा नहीं जा सकते, आप एक्स के ही हिसाब से जाओगे, अगर एक्स की वैल्यू इतनी है तो आप इतना जाओगे, एक्स की वैल्यू इतनी है तो इतना जाओगे, तो ये रिग्रेस करता है वाई को, इसी लिए इसको रिग्रेशन लाइन कहते हैं। हम इसके उल्टा भी जा सकते हैं, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई भी कर सकते हैं कि हम इसमें ये हम डेविएशन वाई के पैरेलल ना ले, हम एक्स के पैरेलल, वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने और एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल माने, तो वो कहलाएगा रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो आप तीन चीजें ध्यान रखें, एक है स्कैटर प्लॉट, इसके अंदर से हमें ऑप्टिमल लाइन ड्रा करना है, ऑप्टिमल लाइन का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इस प्रिंसिपल की मदद से हम लाइन की इंटरसेप्ट और लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं, और वो स्लोप ये होगा, इंटरसेप्ट ये होगा, और ऐसी रिग्रेशन लाइन को हम कहेंगे रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये तीन चीजें हमने बताई, ठीक है। ये जो हमने ये जो वो किया कि हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाया, ये प्रिंसिपल जो है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है कि हम एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है मैथमेटिक्स में या स्टेटिस्टिक्स में, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट। ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट होगा ए और बी का, ए और बी का ये एस्टिमेट जो हमने यहाँ पे दिया है ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है। और वी कैन, हम इसके अलावा भी एक तरीका है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट का, वो भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या सीखा, इसकी अभी हम वो भी करके दिखाते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कि एवरेज एनुअल रेनफॉल 20 डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिया हुआ है 10 डिस्ट्रिक्ट का, तो हम अगर उसको प्लॉट करें स्कैटर प्लॉट पे तो ऐसे 10 पॉइंट आएंगे, इन पॉइंट्स के बीच से हम कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट स्क्वायर लाइन होगी वो रिग्रेशन लाइन, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होगी, उसकी ए की वैल्यू होगी 22.708 और बी की वैल्यू होगी 0.440। ये उल्टा लिख गया, ये होना चाहिए ए प्लस बी एक्स होना चाहिए,
क्योंकि ये उसमें एक्सेल है, एक्सेल में वो वैसे ही लिख देते हैं, एक्सेल में आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी ये सब बना के दे देगा। अब देखिए हमने कहा क्या कि अगर आपको ये डेटा दिया हुआ है एक्स का और वाई का, तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन आप इसमें से निकाल सकते हैं जिसकी ए की वैल्यू जो फार्मूला हमने दिया है उससे निकलेगी, जो बी की वैल्यू जो फार्मूला दिया है उससे निकलेगी, और वो फार्मूले जो हैं वो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। इसमें क्या चाहिए? हाँ कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर प्लीज कह रहे हो। इस फार्मूले में चाहिए क्या है? देखो आपको चाहिए है समेशन एक्स चाहिए, यानी एक्स का जो कॉलम है उसका सम चाहिए, और इसी के साथ आपको चाहिए समेशन ऑफ वाई, यानी जो वाई का कॉलम है उसका सम चाहिए, और क्या चाहिए आपको? जो एक्स का कॉलम है उसके स्क्वायर का सम चाहिए, पहले उसको स्क्वायर करिए फिर सम कीजिए, और क्या चाहिए है आपको? एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसको सम कीजिए, तो चार चीजें आपको चाहिए। तो हम वो जो गिवन डेटा है उससे एक टेबल बनाएंगे जिसमें ये चार कॉलम है हमारे, एक्स का कॉलम है, इसका ये समेशन है 1200, ये वाई का कॉलम है इसका समेशन है 756, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम है इसका समेशन है 183000, वाई स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें अभी किसी और काम के लिए किया, और आपको चाहिए एक्स वाई, ये 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400 हुआ, 45 को 40 से किया तो 1800 हुआ, 70 को 65 से किया तो 4550 हुआ, और इसका समेशन सारे का ये हुआ। अब ये चारों वैल्यूज की मदद से ये समेशन एक्स वाई है, ये समेशन एक्स है, समेशन वाई है, डिवाइडेड बाय एन है जो कि 10 है, ये समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 10, यानी ये समेशन एक्स का स्क्वायर करके है, और ये जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 0.4408 आ गया, ये आपकी स्लोप आ गया उस लाइन का। इसको फिर आपने इस फार्मूले में लगा दिया, वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार समेशन वाई 756 है डिवाइडेड बाय 10, तो ये वाई बार हो गया, ये बी की वैल्यू, ये वाले बी की वैल्यू हो गई, और ये एक्स बार हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 10, इसको करके सिंप्लीफाई किया तो 22.708 हो गया। तो अब आप देखिए ये लाइन जब हमें ड्रा करेंगे ये, तो ये लाइन को जब हम अगर इधर और बढ़ाएं तो ये 22 पे काटेगी, देखिए 20 के ऊपर आ रही है, और इस लाइन का स्लोप जो है वो 0.4408 होगा। कैसे लाइन को ड्रा करेंगे? तो एक्सेल अपने आप ड्रा कर देता है। अगर आपको ड्रा करना हो लाइन तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल जाएगा 22.708, दूसरा पॉइंट ये होगा इसमें आप एक्स की वैल्यू 10 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 4.4, और ये 22 है तो 26 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 10 के ऊपर 26 यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों को मिला के आप बढ़ा देंगे तो लाइन आ जाएगी, या आप ये 10 तो बहुत छोटा था, आप एक्स की वैल्यू 150 रख दीजिए मान लीजिए, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.44 और उसमें 22 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा करीब 80-90 आ जाएगा, उसमें आप एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, इसको आप बढ़ा दें लाइन आपकी रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। अब इसका इससे इसका फायदा क्या है कि इस लाइन के बजाय आप इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू चेंज करिए, एक्स की वैल्यू
4 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, तो y की वैल्यूज आती चली जाएंगी। वो हमने ये किया है, देखिए x की वैल्यू जब 20 रखी तो y की वैल्यू 31 आई, जबकि एक्चुअल वैल्यू y की जो थी वो 20 थी, तो डिफरेंस आया -11। जब x की वैल्यू 40 रखी तो y की वैल्यू 40.626 आ गई, जो कि एक्चुअल वैल्यू 45 थी, तो डिफरेंस आया 4 का। फिर इसी तरह से x की वैल्यू 70 रखी है तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 54 और एक्चुअल वैल्यू थी 65। फिर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यू उसके हिसाब से आती जाएगी। आप अपना जो आपने कैलकुलेशन दिए उनमें मैनुअली करके देख लीजिएगा, ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे आ गए y की ये सारे वैल्यूज, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई, -8.68, ये 0 के करीब आएगी। तो इसको मिनिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है हमें, मतलब वो तो कर चुके हम, लेकिन जो हमने मिनिमाइज किया इसको नहीं मिनिमाइज किया, हमने इसके स्क्वायर्स को जोड़ा था, वो मिनिमाइज हुआ था। तो हमने गिवन डेटा से ना सिर्फ ये पता किया कि इसमें कोरिलेशन है, बल्कि कोरिलेशन की फॉर्म भी पता कर ली। अगर हमें कोरिलेशन की फॉर्म ना पता हो तो खाली ये पता करना कि इसमें हाई कोरिलेशन है, लो कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन है, हमारे हाथ बंधे रहते हैं, हम और आगे नहीं कुछ कर सकते। द मोमेंट आई नो ए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हम आगे मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको, कि अगर एक्स हमारा बढ़ेगा तो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यूज क्या होंगी, ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हम एक्स की वैल्यू बढ़ा के, अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये अगर रेनफॉल का क्या डेटा था, ये एनुअल रेनफॉल हम ये देखना चाहते हैं, अगर अगले साल रेनफॉल कम हुई तो कितना प्रोडक्शन होने की संभावना है, और अगर ज़्यादा हुई तो कितनी संभावना है, वगैरह वगैरह। ये ज़रा डोज ज़्यादा हो गई, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन भी है और ग्राफ भी है, तो अब छोड़ देता हूँ आप लोगों को इसने, ताकि इससे मैं इससे पहले आगे जब बढ़ूँ तो आप ये यहाँ पे है अपने कुछ क्वेश्चन हो तो पता कर सकते हैं। सर मैं तो गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट का आप हमें ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद एक बार के लिए सर 5-10 मिनट्स के लिए, जहां से आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बताया था, ए और बी की सॉरी, वहां से यदि सर एक बार और बता दीजिए, क्योंकि हाँ दिस इज इजी फॉर दोज पीपल हु आर प्लेइंग विद स्टैटिस्टिक्स, बट द पीपल हु आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज है ना, दे वांट टू यूज सच टेक्निक्स बट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दीस। ये मैं एक बात बता दूं, हाँ सर, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट किया है, आपको जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, क्योंकि अगर आप क्लास के लिए चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च के लिए चाहते हैं तो ये सारे का सारा एक्सेल में भी मिल जाता है आराम से, और SPSS वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर में हैं, जहां आपने डेटा डाला वो सब आपको सब दे देंगे। लेकिन ये क्या दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इसके लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ से आप 5 मिनट इसको समझ लीजिए, और फिर बीच में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा इसलिए बता, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। ये सारी चीजें किताबों में दी हुई होती हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारा डायरेक्ट वो हो, एक थोड़ा सा एक्सपोजर है, फिर आप जब भी देखेंगे ये प्रेजेंटेशन भी आप दे देंगे उनको, तो उससे भी देखेंगे।
सर मैंने मैंने प्रेजेंटेशन तो सर कर दिया है चीज, लेकिन कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई दूसरा है आपको समझाने वाला, कंफ्यूजन दूर करने वाला नहीं होता। यहाँ पे मैं हूँ, आप पूछ लेंगे। यस मैं हूँ, ये पूरा समझ लें कि कहाँ से ये वाई हैट आया, यहाँ तक समझना जरूरी है। फिर ये तो इसका डिफरेंस है, ये उसका स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वाई हैट है ये कहाँ से आया, ये कॉलम कहाँ से आया, उसको हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ये इसमें दिखाया हमने 20 रखा तो ये उतना हो गया, इसका डिफरेंस 11 पॉइंट वो हो गया। फिर 40 रखा तो इसका डिफरेंस हो गया 44। इसमें इट्स वेरी सिंपल, लेकिन एक बार आप देख लें। इसमें सर जो हमारी इक्वेशन आ चुकी है उसमें हमने ए और बी की वैल्यू रख दी, उसके बाद जो हमारी एक्चुअल एक्स की वैल्यू है उसको हम रखते जाएंगे तो हमारी हैट आता जाएगा। ये यहाँ पे है, ये दिखाया हमने, ये वैल्यू है ए, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स पहले वैल्यू एक्स की 20 है, दूसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू क्या है, इतना अलजेब्रा अर्थमेटिक तो सब कर लेंगे। yes, sir. Yes, अगर यहाँ पे बदल दें तो ये वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है मेन, ये इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ये है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कोई भी इक्वेशन होती है उसकी लाइन हमेशा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें ए की वैल्यू बदलती रहती, बी की वैल्यू बदलती रहती, उससे लाइन बदलती रहती है। लाइन का पता करने का मतलब है आप ए की वैल्यू पता कर लीजिए, बी की वैल्यू पता कर लीजिए। ए इज नोन एज इंटरसेप्ट, बी इज नोन एज स्लोप। रिग्रेशन एनालिसिस में बी को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपके साथ में पहले से इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ शेयर किया जा चुका है, आप चाहें तो उस पर भी जाकर और उससे स्लाइड्स ब्राउज कर सकते हैं।
हाँ शुरू करें। यस सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? नॉट येट सर, अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा ठीक है, सो दैट मींस उसमें है भी नहीं कुछ ज्यादा। हाँ, दे हैव रिटन दैट इट इज अंडरस्टूड। हाँ ओके फाइन। सो ये तो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब एज आई टोल्ड यू के जब भी हमें कोई रिग्रेशन या कोरिलेशन या स्टैटिस्टिक्स आर की वैल्यू मिलती है तो हमारा ये जरूर ये रहता है कि ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, और ये है कि आप जो भी डेटा ले रहे हैं वो परफेक्ट डेटा 100% डेटा नहीं है। जो आपका 100% डेटा हो सकता है उसका ये पार्ट है, क्योंकि रियलिटी इज वेरी वास्ट और हमारे जो हाथ जो है या हमारा जो सिस्टम है डेटा कलेक्शन का वो लिमिटेड है, बंधा हुआ है। तो हम कभी ईच एंड एवरी डिजिट का डेटा हमें नहीं मिल सकता, हमेशा वो उसका पार्ट मिल रहा है। तो क्या अगर हमें सारी डेटा मिल जाए तो उससे जो वैल्यू निकलेगी तो वो असली वैल्यू होगी, और ये वैल्यू हमारी वैल्यू जो है ये उसके बहुत करीब होगी। ये हमारी वैल्यू जो है उसके बराबर तो नहीं होगी लेकिन ये उसके बहुत करीब होगी। तो हमें स्टैटिस्टिशियन को हमेशा ये डर रहता है कि ये बी की वैल्यू जो है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट या आर की वैल्यू जो है ये कहीं बहुत जीरो के बहुत करीब तो नहीं है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है जब बहुत सा डेटा अगर हमें मिल जाता तो वो वैल्यू जीरो होती, और चूंकि आपको बहुत सा डेटा नहीं मिल रहा है आपने जो डेटा निकाला है वो जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन ये जीरो के करीब तो नहीं है। तो जो भी हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर वैल्यू हमारी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की इनसिग्निफिकेंट आती है तो हम ये कहते हैं कि ये जीरो के करीब हो सकती है, ये इट्स इनसिग्निफिकेंट एंड इट इज वेरी लाइकली दैट दिस वैल्यू मे बी एक्चुअली जो है ये जीरो होती, मगर चूंकि हम सारी डेटा नहीं दे रहे हैं थोड़ा ले रहे हैं थोड़ा, अगर सारा ले लेते तो शायद ये जीरो ही आता। ये जब सिग्निफिकेंट हो जाती है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तभी हम आगे बढ़ते हैं और उस कोरिलेशन के ऊपर कुछ ध्यान दे सकते हैं। तो उसके लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। हर टी वैल्यू को हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि बी है जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और उसको डिवाइड करें उसकी स्टैंडर्ड एरर से, और जो रेशियो आता है उस रेशियो को टी कहते हैं और उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है एन माइनस टू, और टी टेबल से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये हमने फार्मूला दिया हुआ है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो अगर किसी को जी चाहे तो घर पे इसका वो कर सकता है इसकी न्यूमेरिकल, लेकिन जो कंप्यूटर में हमेशा जब भी आपको वैल्यू दी होगी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की उसके साथ में उसका स्टैंडर्ड एरर भी दिया होगा और स्टैंडर्ड एरर का रेशियो भी दिया होगा टी करके, और उसके आगे पी भी दिया होगा। पी का मतलब होता है कि कितने पे ये सिग्निफिकेंट है। अगर पी जो है 0.01 से या 0.05 से छोटा है तो 5% सिग्निफिकेंट है, 0.01 से छोटा है तो 1% सिग्निफिकेंट है, और अगर पी की वैल्यू 0.1 आ गई या 0.09 आ गई तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है 10% पे या 9% पे या
अब 0.2 आ गई, इसका मतलब 20% पे सिग्निफिकेंट है, तो वो इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। जब पी की वैल्यू 0.05 से छोटी या उससे छोटी होगी तभी वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, और 0.05 है तो 5% पे, और 0.01 से छोटा है तो 1% पे, और जहां वो 0.01 या उससे ऊपर हुआ तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इनसिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा आपको कैरी आउट करना होगा, और जब भी कंप्यूटर आउटपुट आप लेंगे तो टी वैल्यू अपने ये स्टैंडर्ड एरर अपने आप वो दे देता है कैलकुलेट करके, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो उसका ये हमने इसमें एग्जांपल भी दिया, यही प्रेजेंट एग्जांपल के, तो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज होती है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर होता है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और ये हमेशा एक से कम आता है। देखिए एवरीवन शुड लिसन टू मी, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आर स्क्वायर का मतलब होता है इन ए बाईवेरिएट, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऐसे रिग्रेशन को कहते हैं बाईवेरिएट रिग्रेशन। आगे अभी थोड़ी देर में हम ये देखेंगे, हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, तो वो हो जाएगा मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस। हम कॉन्सेप्ट आपको बाईवेरिएट से समझा रहे हैं, और मल्टीवेरिएट उसी का एक्सटेंशन है, एग्जैक्टली उसी का एक्सटेंशन है, कैरिंग आउट सेम मीनिंग। तो एक तो यह है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बाईवेरिएट में भी है और मल्टीवेरिएट में भी आएगा। आप देखेंगे दो है तीन है, उन सब की स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी, उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आपको रिग्रेशन टी वैल्यू दे देगा ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट 1, टी वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट 2, टी वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट 3, और सबको आप देख सकते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। तो बाईवेरिएट में एक चीज होती है आर स्क्वायर, वो मल्टीवेरिएट में भी होती है लेकिन उसका बाद में बताएंगे। अगर आर स्क्वायर बताता क्या है, यह बताता है कि असल में हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हम लाइन पे टोटल वेरिएशन वाई का नहीं पकड़ पा रहे, उससे थोड़ा कम पकड़ पा रहे हैं, वाई का वेरिएशन कम होगा क्योंकि वाई थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो लाइन के ऊपर है बिल्कुल, वो है रेगुलेटेड वे, और ये रैंडम एरर भी है इसके अंदर शामिल है, तो ये कम होगा, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर जो है ये कम होगा, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, तो ये रेशियो हमेशा एक से कम आएगा, और ये बताता है कि कितना पार्ट y का x is able to explain। Suppose करो ये 0.65 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि y के जो वेरिएशन है उसको 65% जो है वो x के साथ जा रहा है, यानी x इज एबल टू एक्सप्लेन 65% ऑफ इट एंड नॉट 35% ऑफ इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इसी से क्वालिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है या रिग्रेशन एनालिसिस उसका इवेल्युएशन होता है कि आपके रिग्रेशन में आर स्क्वायर कितना आ रहा है। अगर आर स्क्वायर आपका आ रहा है 0.1 तो इसका मतलब 10% एक्सप्लेन कर रहा है एक्स वाई को, और 90% दूसरे कोई वेरिएबल है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई तो 20%, 30 आ गई तो 30%, 60 आ गई तो 0.6 आ गई तो 60%, 0.65 आई तो 65%,
तो जनरली बाइवेरिएट में कोई वेरिएबल 40% एक्सप्लेन कर पाता है, कोई 35% एक्सप्लेन कर पाता है, इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाते क्योंकि दूसरे वेरिएबल भी तो हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं. इज इट ओके? यस सर. तो आर स्क्वायर का रोल आप अभी देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है. आर स्क्वायर का रोल, तो जब भी हम रिग्रेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, फिर उसके स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू क्या है, फिर टी वैल्यू होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर नीचे दिया होता है आर स्क्वायर. आर स्क्वायर विल क्वालिफाई द रिग्रेशन लाइन कि ये रिग्रेशन लाइन अच्छी लाइन है, पावरफुल लाइन है या कम पावरफुल है या बीच की है. अगर आर स्क्वायर 0.1 आ रहा है या 0.09 आ रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है, कोई कोरिलेशन जो है अच्छा नहीं है इसके अंदर. और अगर 35% 0.35 आ रहा है, 0.38 आ रहा है, 0.45 आ रहा है तो काफी आ रहा है, 0.8 आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है. ये हमने दिखाया कैसे आर स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं. अब आर स्क्वायर का भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है और वो होता है एफ टेस्ट से. उसका ये फार्मूला दिया हुआ है, एफ की आर स्क्वायर को एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें न्यूमरेटर का भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है और डिनोमिनेटर का भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, उसके हिसाब से एफ को देखते हैं. और हमने देखिए स्टैंडर्ड एरर अब बी निकाली है जो अभी किया था, और वो हमको आई है टी की वैल्यू आई है 6.67 और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टी की है वो 3.36 ओनली है एट 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज मच हायर देन द टैबुलेटेड वैल्यू, तो ये हाईली सिग्निफिकेंट हो गई. इसी तरह से आर स्क्वायर की कैलकुलेटेड एफ जो आया है वो आया है 4 point something और जो टेबल में दिया हुआ है सिक्सटीन point something है. और ये एफ की वैल्यू बहुत बड़ी है, ये इसमें फोटो में छुप रहा है, दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा. हाँ, एफ की वैल्यू कितनी? 43.34 और ये एक्चुअल वैल्यू टेबल में जो है वो 16.86 है, तो विच इज एक्चुअल वैल्यू इज मच हायर. तो चूंकि यहाँ पे बी भी सिग्निफिकेंट आया तो एफ भी सिग्निफिकेंट ही आता है आमतौर से. अगर हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है तो भी सिग्निफिकेंट आएगा. अब इससे अगर हम कंक्लूड करें तो ये कंक्लूजन होगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द एरिया इज फाउंड टू बी हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द एरिया. ऑफ की जगह ऑन हो जाए. इट एक्सप्लेन्स ए मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट इज 65% विच इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. और ये बता रहा है कि एक सेंटीमीटर इंक्रीज इन द एवरेज एनुअल रेनफॉल may cause an increase into 0.44 multiplied by 100 because your agriculture productivity 100 mein to 4.44 point rupees ka matlab ek inch ka koi rainfall mein variation hota nahi lekin agar 10 inch ka hua to 440 ho jayega aur agar kam hua to aise hi kam ho jayega ek ka de karke ye basically ये आप इससे निकाल सकते हैं. इस कंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम हो तो ना हो तो मैं आगे बढ़ू. यस सर. अब ये आया दूसरी चीज, ये है कि जो ये हमने एस्टिमेट निकाले हैं, रिग्रेशन एस्टिमेट जो हमने निकाला है, तो ये पूरे इकोनोमेट्रिक्स में या पूरे स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एस्टिमेट्स, बिकॉज later on you forget about the data, you talk about estimates, regression coefficient, r square, t value, वगैरह वगैरह. तो इसमें कुछ assumptions हैं, ये assumptions हैं
नंबर वन अजम्पशन ये है हमारा कि ये जो एरर टर्म है जो आप इसमें देख रहे हैं, ये जो है, ये जो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, ये एरर है। जो पॉइंट लाइन से ऊपर गया या लाइन के नीचे गया, ये एरर टर्म है। पहला अजम्पशन ये है हमारे लीस्ट स्क्वायर का कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। दूसरा होना चाहिए कि इसका जो, अगर हम इसका वेरिएशन निकालें तो वो एक्स से उसमें कोरिलेशन नहीं होगा। जैसे से ये नहीं है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाए ये डेविएशन बढ़ते चले जाएं, ये इंडिपेंडेंट टू एक्स है। इन सारे दूसरा ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके अंदर मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है। और बहुत बड़ा अजम्पशन ये कि इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है कि एक्स की जो वैल्यूज हैं ये एक्स की ये वैल्यू पिछली वैल्यू से कोरिलेटेड नहीं है और एक्स की और आगे की वैल्यू पिछली वैल्यू से कोरिलेटेड नहीं है। इनको हमने सब लिखा हुआ है, इनके टेक्निकल टर्म है। जो इन अजम्पशंस को फॉलो करता है उसको कहते हैं बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेट्स या ब्लू एस्टिमेट्स। तो हमारे जो रिग्रेशन एनालिसिस जनरली जो लीस्ट स्क्वायर पे बेस्ड होती है वो ये अजम्पशन फॉलो करना चाहिए। अभी लेटर ऑन हमने क्या देखा कि जहां हम टाइम सीरीज डेटा लेते हैं, हमने पहले भी बताया कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा बोरिंग लगती है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी सिंपल भी है। क्योंकि ये आपने कभी पढ़ा नहीं इस तरह की बातें तो आपको शायद ये एब्स्ट्रैक्ट लगे, लेकिन सिंपल है। जैसे पहले ये अजम्पशन माना कि यू इज ए रैंडम, तो ठीक है रैंडम है कि ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है घट रहा है जिसको आप प्रिडिक्ट कर सके। एनीथिंग जिसको हम प्रिडिक्ट कर लें वो रैंडम नहीं है, जो अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है वो रैंडम है। मीन ऑफ एरर टर्म इज जीरो, कि अगर हम एरर टर्म को जोड़ें, जैसे अभी हमने दिखाया था उसमें -8 आ रहा था तो विच इज वेरी क्लोज टू जीरो। ऐसा ना हो कि एक ही साइड में होगा, एक ही साइड और प्लस साइड तो जीरो नहीं आएगा। और मल्टीकोलिनियरिटी यह है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। होमोस्कैडिसिटी कि ये जो एरर टर्म है इसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है, चाहे आप शुरू में देखें या बीच में देखें या आखिर में देखें, 4-6 निकाल के उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वो बीच के 4-6 लेके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, शुरू के लेके 4-6 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वो बराबर है। तो ये कहती है होमोस्कैडिसिटी और ये दिखा रहा है कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यू, यानी एक कांस्टेंट है, ना आगे है ना पीछे है, ना ज्यादा है। और फिर ये ऑटो कोरिलेशन नहीं है, जैसे टाइम सीरीज डेटा में ऑटो कोरिलेशन है तो ये आपका जो है। और फिर ये है कि एक्स और यू जो है, यानी एक्स, जैसे एक्स एक्सिस पे आप चले तो वाई, जो एक्स एक्सिस पे आप चले तो जो रैंडम जो एरर टर्म है उसका कोई रिलेशन ना हो उसके साथ में। ये ना हो कि जैसे आप एक्स के साथ जा रहे हो बढ़ता चला आ रहा है या घटता चला आ रहा है। तो वो ये 4-5 अजम्पशन है। ये अजम्पशन इनफैक्ट अक्सर फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप देखें जिसमें टाइम सीरीज डेटा होगा तो वो आपको ऑटो कोरिलेशन में दिया। अब ऑटो कोरिलेशन के लिए क्या करें, तो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट में एक वेरिएबल और डाल देते हैं, ऑटो रिग्रेसिव वेरिएबल,
और स्पेशल सीरीज में जो अभी हम बताएंगे आपको, स्पेशल ज्योग्राफर्स के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज्योग्राफिकल डेटा में तो ऑटो कोरिलेशन हो, स्पेशल ऑटो कोरिलेशन, मुरैन साई जो है वो यही है कि इसमें स्पेशल ऑटो कोरिलेशन है, तो हम वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ब्लू एस्टिमेट नहीं होंगे बल्कि वो बायस एस्टिमेट, अनबायस की जगह बायस एस्टिमेट हो जाएंगे। तो जब भी आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस आपको आएगा अक्सर SPSS में भी, कि आप OLS एस्टिमेट चाहते हैं या मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट चाहते हैं, तो अगर आपके डेटा में ये प्रॉब्लम होगी तो OLS की जगह आपको परहैप्स मैक्सिमम लाइकलीहुड ज़्यादा सूट करेगा, तो यू कैन इंटरचेंज बिटवीन द टू। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम आए मल्टी वेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, जिसमें जनरली हमारे सिस्टम में क्या होता है, सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं है कि कोई फिनोमेना, एक फिनोमेना दूसरे फिनोमेना पे 90% या 100% डिपेंडेंट हो। जनरली सिस्टम में लॉट ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं, तब जाके कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का एक शक्ल बनती है। तो लॉट ऑफ वेरिएबल्स ना लेकर के हम कम से कम जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको भी ले लें अगर, तो एक से ज़्यादा होंगे। तो हम इसको उसी मॉडल में लगा सकते हैं कि बजाय हम ये मान के कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हम ये मानते हैं एक्स बी एक्स वन बी एक्स टू बी एक्स थ्री बी एक्स फोर एंड सो ऑन सो फोर। तो हमारी ये इक्वेशन बजाय टू वेरिएबल के ना हो करके तीन वेरिएबल की हो सकती है, पांच की भी हो सकती है, छह की भी हो सकती है, हम ये माने। और हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन, ये वाली जो लाइन होती है ये लाइन की इक्वेशन है, इन ए टू डायमेंशनल स्पेस, इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड इन ए पी डायमेंशनल स्पेस। अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को, अगर हम y इज इक्वल टू ए की जगह हम बी वन लिख लें, फिर बी टू लिख लें, फिर बी थ्री लिख लें, तो वी कैन राइट इट इन ए सबस्क्रिप्टेड फॉर्म लाइक दिस, y इज इक्वल टू बी वन, बी वन तो इंटरसेप्ट है तो कोई वेरिएबल नहीं आएगा, बी टू एक्स टू, बी थ्री एक्स थ्री एंड बी पी एक्स पी, और ये हमारा एरर टर्म है। तो हम बाईवेरिएट से मल्टीवेरिएट पे एक्सटेंड कर सकते, एग्जैक्टली सेम लॉजिक होगी उसकी, मगर हम नहीं, अगर हम इसमें OLS लगाएंगे तो हमारा जरा लंबा हो जाएगा, अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। तो इसके लिए हमारे हेल्प में मैट्रिक्स अलजेब्रा आता है, मैट्रिक्स, आई होप बहुतों को मैट्रिक्स अलजेब्रा आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है, आप ये समझ लें कि एवरी वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, उस वेक्टर में उतनी वैल्यूज होंगे जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, और उतने कॉलम होंगे, रोज होंगे, और उतने कॉलम्स होंगे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो ये पूरी इक्वेशन सिस्टम जो इक्वेशन की पहले थी मैट्रिक्स फॉर्म में, बड़े नीटली ये यूं लिखा जा सकता है, ये एक वेक्टर है, ये मैट्रिक्स है पूरी, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। मैट्रिक्स अलजेब्रा जिनको आता है, आप देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो बी वन एक्स टू बी टू एक्स टू बी थ्री एक्स थ्री ऐसे आ जाएगा प्लस एक्स वन। तो ये जो
unwieldy system of equation था. It's a very neat system में इसको लिख सकते हैं. और कंप्यूटर को इनपुट देने में अगर आपका वेक्टर फॉर्म में डेटा है तो बड़ी आसानी से कंप्यूटर इसको ले लेता है. आप डेटा को इसी शक्ल में देंगे, वाई का एक कॉलम होगा और एक्स एक्स टू एक्स थ्री एक्स पी का अलग वो होगा, उसी के साथ में होगा. आपको सिर्फ कंप्यूटर को बताना होगा कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो है वो फर्स्ट वाई वेक्टर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेक्टर एक्स टू एक्स थ्री एक्स पी है. दैट्स ऑल. और बाकी कंप्यूटर अपना करेगा. कंप्यूटर क्या करेगा वो हमने यहाँ पे करके देखा है. कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करेगा, एग्जाम्पल लिया है. कंप्यूटर की एग्जाम्पल ये है कि जो बीटा की वैल्यू है वो निकलेगी एक्स प्राइम एक्स इनवर्स वगैरह वगैरह. ज़रा लंबा है तो आप इसको आराम से देखिएगा और ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें सर खपाने की, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए. और इसकी वो भी देने की वो दिया है हमने, एक एग्जाम्पल भी दिया है. क्योंकि कंप्यूटर के बारे में ये कहते हैं कि कंप्यूटर इज एन इडियट बॉक्स, इडियट जायंट कहते हैं. जायंट है ये, आप कितना भी काम दे दें ये कर देगा. लेकिन इडियट इन दिस सेंस है कि अपनी इसकी अकल नहीं होती, कुछ जो आप बताएंगे वही करेगा. तो आप क्या बता रहे हैं, आपको तो थोड़ा पता होना चाहिए ना. जो इडियट से काम लेने के लिए आपको पता, आपको उसको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा. और कंप्यूटर के बारे में ये कहते हैं कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. अगर आप उसको सेंसलेस इनपुट देंगे, अगर कोई आप ऐसा डेटा देंगे जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो वो आपको ऐसे रिजल्ट भी देगा जिसका कोई सर पैर नहीं होगा. तो इसलिए आपको लॉजिक आना ज़रूरी है, आपको फ्रेमवर्क आना ज़रूरी है, आप कंप्यूटर से क्या चीज़ मांग रहे हो वो आना ज़रूरी है. बहुत से ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो जब आप कंप्यूटर से आउटपुट मांगते हैं वहाँ पे अगर आप ध्यान न दें, कोई अगर आप एक उसमें पूछता कि डू यू वांट इमेज ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, अगर आपने हल्के से उसको टिक कर दिया तो वो 20 पेजों पे इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स की इमेज दे देगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. आप कहेंगे ये क्या कंप्यूटर ने दे दिया, उसमें जो आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं कि वो एक्चुअल कहाँ चला गया. आप वो 20 पन्नों में खो जाएंगे. तो वन हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट इन आस्किंग कंप्यूटर टू वर्क. आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या क्या ऑप्शंस मांगता है. और अगर आपको सारे ऑप्शंस का मतलब नहीं पता है तो आप उसको टिक मत कीजिए. ये पता कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए. कंप्यूटर ये मांगता है, ये क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें चाहिए भी नहीं. कंप्यूटर आपको क्या चाहिए, आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स चाहिए, आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट चाहिए, आपको आर स्क्वायर चाहिए, बस आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए. आप बस वहाँ वहाँ पर टिक कर दीजिए और आप बाकी और उसको छेड़िए मत, वरना वो इतना आउटपुट दे देगा आपकी स्टेशनरी भी बेकार जाएगी, टाइम भी बेकार जाएगा और आप अपने काम की चीज़ निकाल भी नहीं पाएंगे. तो इसलिए ये थोड़ा सा आप अगर चाहें उसी फॉर्मेट में हमने डेटा को ट्रीट करके दिखाया है कि कैसे ये आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट ये मिल गए. पहला वैल्यू मिली -0.0922, दूसरी वैल्यू मिली 1.7329, तीसरी वैल्यू मिली ये B1, B2, B3 आ गया. फिर इसके वो टोटल आर स्क्वायर निकाला, वो 0.9797 आ गया, यानी 97% ये एक्सप्लेन करता है. और फिर आपने इसकी टी वैल्यूज निकाली,
पहली टी वैल्यू ये आई, दूसरी टी वैल्यू ये आई, तीसरी टी वैल्यू ये आई, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 है, सो फॉर 3 डिग्री ऑफ 10 में से 3 गया, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, तो ये 2.92 आया हुआ। हाँ, तो दूसरा वाला सिर्फ सिग्निफिकेंट है, ना फर्स्ट सिग्निफिकेंट है ना सेकेंड लास्ट सिग्निफिकेंट है, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। एफ एफ की वैल्यू निकाली आपने 195 आई, हाईली सिग्निफिकेंट, तो ये आ गया आपको रिजल्ट आ गया। तो एग्जैक्टली इसका इंटरप्रिटेशन उसी लाइन पे है जिस लाइन पे हमारे बाइवेरिएट का है। अब मैंने आपको बताया था इसमें हमने अपने प्रेजेंटेशन में कोई 60-70 वो दिए हुए, 50-60 दी हुई हैं, 33 के आगे आप मत जाइएगा। अब इसमें और हम आपको बताने चाह रहे थे कि एक चीज होती है कंप्यूटर में, SPSS में बहुत आम है, स्टेप वाइज रिग्रेशन एनालिसिस। स्टेप वाइज रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है कि जब आप रिग्रेशन का करते हैं तो आपको सबसे पहले तो आप आपके मान लिए बहुत से वेरिएबल है, 15-20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल या 25-30 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहले तो आप ये निकाल लें कि कोरिलेशन मैट्रिक्स ही सिर्फ निकालें, सिर्फ कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये देखने के लिए कि इसमें से कौन से वेरिएबल सिग्निफिकेंट हैं। वाई पहला वेरिएबल वाई है और दूसरे वेरिएबल का कोरिलेशन दिया हुआ है, वाई का 1 के साथ, वाई का 2 के साथ में, वो तो दी होगी सारे के साथ में, लेकिन आप पहली रो या पहला कॉलम देख लें तो उसमें जो वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है उनको तो आप पहले स्टेप में ही निकाल दें, उनको आगे ले आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट वेरिएबल नहीं आएंगे इन द एडवांस स्टेज। तो पहला स्टेप तो वो हुआ। दूसरा स्टेप हुआ कि आपको 6 वेरिएबल मिल गए, 6 वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 6 वेरिएबल में कॉस बहुत से वेरिएबल में आपस में कोरिलेशन होगा, तो इसको कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, और ये बड़ी समस्या क्रिएट करती है, क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी अगर आपके डेटा में है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं उसके टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जब आप कहते हैं ये सिग्निफिकेंट है या ये इनसिग्निफिकेंट है, यू डू नॉट नो, क्योंकि वो सारे बायस रिजल्ट्स आ जाते हैं मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से। तो उसका कई समाधान है, एक समाधान ये है स्टेप वाइज रिग्रेशन से भी है कि आप ऑप्शन लें उसमें स्टेप वाइज रिग्रेशन एनालिसिस। तो पूछेगा कि स्टेप इन या स्टेप आउट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो आप फॉरवर्ड ले लीजिए तो उसका मतलब होगा पहले वो एक वेरिएबल लेगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में 2 लेगा, फिर 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, और 6 स्टेप आपको देगा अगर 6 वेरिएबल। बैकवर्ड में पहले 6 लेगा, फिर 5 देगा, 4, 3, 2, 1 देगा। ये क्या लेगा, पहले स्टेप में ये सारे वेरिएबल के साथ में एक बाई वेरिएट लगाएगा, वाई विद एक्स 1, वाई विद एक्स 2, वाई विद एक्स 3, वाई विद एक्स 4, वाई विद एक्स 5, और जो सबसे ज्यादा हाई आर स्क्वायर होगा उसके साथ में रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे देगा। तो 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद में क्या करेगा उस वेरिएबल के साथ में और जो बचे हुए वेरिएबल हैं उनको ऐड करेगा। तो जब भी वेरिएबल आप बाई वेरिएट रिग्रेशन से जब मल्टीवेरिएट में जाएंगे, तो जब आपका मान लीजिए बाई वेरिएट में कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन व आर स्क्वायर 65% है, दूसरा वेरिएबल जब आप जोड़ेंगे
तो आर स्क्वायर बढ़ के आएगा, कम नहीं होगा आर स्क्वायर कभी, हमेशा आर स्क्वायर, चाहे वेरिएबल पॉजिटिव रिलेशन हो चाहे निगेटिव हो, आर स्क्वायर हमेशा बढ़ के आएगा। तो ये देखता है कि आप पहला वेरिएबल मान लीजिए आपका अब वाई विद एक्स सेवन आ गया, अब वाई विद एक्स सेवन के साथ में ये एक्स वन को जोड़ेगा, एक्स टू को जोड़ेगा, एक्स फोर फाइव सिक्स को जोड़ेगा, देखेगा अब जो एडिशन है आर स्क्वायर का किससे सबसे ज्यादा आर स्क्वायर में बढ़ रहा है। मान लीजिए वो एक्स थ्री के साथ में बढ़ रहा है तो वाई विद एक्स सेवन प्लस एक्स थ्री देगा और आर स्क्वायर की वैल्यू दिखाएगा, आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी है। फिर वो लेगा वाई विद एक्स सेवन एंड एक्स थ्री में जोड़ेगा प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स फाइव एक्स सिक्स, और किसका सबसे ज्यादा एडिशन जंप आ रहा है, मानिए एक्स फाइव का आ रहा है तो वो देगा और जंप दे देगा दिखाएगा, तो जंप घटता हुआ आएगा, पहले वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके दूसरे स्टेप में जो जंप होगा उसके बाद होगा, तीसरे में उससे कम होगा, कभी जंप ज्यादा नहीं होगा, कम ही होता चला जाएगा। तो आप इससे ये कर सकते हैं कि आप देख लेंगे कि कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने से बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे अगर किसी वेरिएबल के साथ में उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मान लिए 0.2 है तो उसका आर स्क्वायर हमेशा उसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर ही होता है, आर स्क्वायर 0.2 का हो गया 0.4 हो गया। लेकिन आर स्क्वायर जब वो अगर मान लीजिए उसके एडिशन से 0.4 का एडिशन नहीं हो रहा है, 0.2 ही ऐड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा वेरिएबल पहले आ गया है जो इससे ज्यादा इससे कोरिलेटेड था। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर दो कोई दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल 70% है और दूसरा वेरिएबल 50% है, उन दोनों को जब आप जोड़ के करेंगे तो 120% तो हो नहीं सकता, वो मान लीजिए नहीं 30% और 50% है तो 80% के बजाय वो 70% ही दे रहा है, इसका मतलब 10% जो है वो ऑलरेडी हैज बीन एक्सप्लेन बाय समबडी, तो वो मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से होता है। तो जो मल्टीकोलिनियर वेरिएबल होते हैं वो आखिर में आते हैं, हालांकि उनका कोरिलेशन उससे बहुत हाई होगा, अगर तीन वेरिएबल है या दो वेरिएबल है जो आपस में हाईली कोरिलेटेड है और वाई से भी हाईली कोरिलेटेड है, तो अगर एक पहले आ गया है तो दूसरा वाला फिर नहीं आएगा, दूसरा वाला एंड में आएगा या बीच में कहीं आएगा, तो इससे आप मल्टीकोलिनियरिटी को हैंडल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका है स्टेप वाइज रिग्रेशन एनालिसिस का। और अब तो हो रहा है, अब हमने इसमें यह बताया है कि डमी वेरिएबल क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और बाइनरी डिपेंडेंट, अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डमी वेरिएबल है तो बाइनरी वेरिएबल है तो हम उसको डमी वेरिएबल से हैंडल कर लेते हैं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी है तो हम उसको मुश्किल हो जाती है थोड़ी, और आपकी जो लॉजिट रिग्रेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। लॉजिट रिग्रेशन में आपका जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बाइनरी हो, क्योंकि बेसिक अजम्पशन लीस्ट स्क्वायर और का ये है कि उसके अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, बाइनरी या डाइकोटमस नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल ये था जब NFHS शुरू हुआ है तो बेसिकली NFHS का ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, तो एक क्वेश्चन था कि डू यू यूज एनी फैमिली प्लानिंग मेथड, तो वो कहते हैं यस या नो, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं
वो तो बाइनरी हो गया, अब क्या करें, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन काम नहीं करती, तो उसके लिए उन्होंने लॉजिट रिग्रेशन लगाया था, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, फैमिली प्लानिंग सर्वे में 0-1 होता है। लॉजिट रिग्रेशन क्या है, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा अगर समझ टाइम हो, इसका इंटरप्रिटेशन भी जरा एग्जाम्पल भी दिया हमने। अब स्पेशल रिग्रेशन की बात करते हैं, वो मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब टाइम हो रहा है, 15 मिनट बचे हैं, तो इसमें दिया हुआ है स्पेशल रिग्रेशन, अगर आप कोई पढ़ लेंगे उसको। थैंक यू। स्पेशल रिग्रेशन थोड़ा अलग है, उसमें यही है कि हमारा स्पेशल ऑटो कोरिलेशन होता है जिसकी वजह से हम ओ एल एस नहीं लगा सकते, उसका जियो डाइक वो है सॉफ्टवेयर आया है शिकागो से कहीं से आया है, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जियोडा, आप यूज़ करें, और उसके साथ में उसका वर्क एग्जांपल वगैरह भी दिया हुआ, वर्क बुक भी आई हुई है, तो स्पेशल रिग्रेशन किसी को समझना हो तो जियोडा से समझें, वह आसान होगा, और भी है दूसरे में लेकिन जियोडा में बड़ा आसान। विद दिस आई थिंक क्या करें, खत्म करें, अभी तुम्हें नॉर्मल का भी बताना है, क्या पूछा सवाल क्या था नॉर्मल का? चंद्रकांत अनम्यूट योरसेल्फ, चंद्रकांत चंद्रकांत अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर, गुड इवनिंग। यू आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। गुड इवनिंग असलम सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो वो इससे रिलेटेड नहीं है जो आपने प्रेजेंट करा, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बहुत कम टाइम में क्या सर बता सकते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो एक बेसिक थोड़ा सा समझा सकते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस। यस सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और सर ज्योग्राफिकल जो डेटा मैट्रिक्स है वो कैसे हम बनाते हैं, वो मेथड थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, मतलब थोड़ा सा समझना चाह रही थी मैं, मुझे ना इस पे रिलेटेड मटेरियल नहीं मिल रहा। नॉर्मल कर्व पे तो है बहुत सारे रीडिंग्स, बट ज्योग्राफिकल डेटा मैट्रिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा मैट्रिक्स ये मुझे नहीं मिल रहा, उतना सेटिस्फैक्टरी मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे। एक आपका है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस सर, मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता दें क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली आप देखें कि जो जो चीजें नेचर में अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन इंटरवेंशन है तो वो एक पैटर्न फॉलो करती हैं, जिसमें ना बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ होती हैं ना बहुत ज़्यादा लो वैल्यूज़ होती हैं, मेन कंसंट्रेशन होता है सम सेंट्रल वैल्यूज़ के ऊपर, और जैसे आप सेंट्रल वैल्यूज से नीचे की तरफ जाएंगे तो कम होती चली जाती हैं, जैसे आप हायर की तरफ जाएंगे ज़्यादा होती चली जाएंगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो जैसे एक बेल होती है, बेल शेप ग्राफ बनेगा उसका, इस तरह का होगा कि अगर आप उसको बीच से मोड़ दें एक कागज को तो वन पार्ट विल सुपर इम्पोज द अदर पार्ट। एक तो इसकी ये विशेषता है, ये सिमेट्रिकल होता है, दूसरे इसमें बहुत बड़ी पीक नहीं होती है, ये बेल जैसे बेल होती है वो ऐसी नहीं होती है कि इसमें एकदम बहुत ऊंची हो या बहुत नीची हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, और इसका जो फैलावा होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता बहुत कम नहीं होता है, रेंज प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन आइदर साइड होती है। तो मैथमेटिकल तो आपको सबको पता है,
is a normal distribution symmetrical about the mean in such a way that one standard deviation above the mean and below the mean contains 68.23% of the observation, two standard deviation 95.45, three standard deviation 99.73% of observation. That is how we define normal distribution. And generally we find that things in the natural order follow normal distribution. जैसे अगर आप खेतों में चले जाएं गांव में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर इंटरवेंशन कोई नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. जहां पे हाई यील्डिंग वेराइटीज वगैरह आ गई तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ लोगों को ज्यादा मिलेगा कुछ को कम मिलेगा. इनकम जब आप कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो इनकम विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर आप किसी फैक्ट्री में जाए वर्कर्स की अगर आप ले लें लेबर की इनकम जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, इंजीनियर्स की नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मैकेनिक्स की नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वगैरह वगैरह. सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बच्चों के जो एग्जाम्स में नंबर आते हैं, किसी भी एक पेपर में करें तो ना तो सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे एक ही आईक्यू लेवल के होते हैं, उसमें से नॉर्मली कुछ बच्चे जो हैं वो आईक्यू ज्यादा होता है, कुछ बच्चों का बहुत कम होता है. नॉर्मली दे आर विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन और टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज में रहते हैं. ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब ज्योग्राफिक डेटा मैट्रिक्स मैं नहीं समझता क्या होगी. जो आप डेटा को अरेंज करते हैं जिसमें कॉलम जो हैं वो वेरिएबल हैं और रोज जो हैं वो ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं, तो ये वो एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी. और इस मैट्रिक्स से आप मैनिपुलेट करके बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं. आजकल GIS जो है वो डेटा इनपुट जो है जनरली इसी फॉर्म में चाहता है. और फिर आपको ऑप्शंस होते हैं, आप क्या चाहिए आपको तो आप कर सकते हैं. मैं मुझे लगता है GIS ज्योग्राफिकल डेटा मैट्रिक्स यही होना चाहिए, बाकी और क्या है मैं नहीं समझता. चंद्रकांता है अब और कुछ पूछना है? यस सर, अगर टाइम है और आप अलाउ करें तो एक और डाउट है. हाँ बताइए सर. मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रही थी तो उस ये सॉरी नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं आपने जो बताई बेल शेप्ड कर्व है और मीन इज इक्वल टू मोड, मोड इज इक्वल टू मीडियन, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये आ रही थी जो मेरे को, मैं बिल्कुल इसको डिकोड नहीं कर पा रही हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है राइटर. मीन डेविएशन इज फोर्थ. क्या है? मीन डेविएशन इज फोर्थ. फोर्थ 1 2 3 4 फोर्थ की प्रॉपर्टी है नॉर्मल कर्व की. मीन डेविएशन इज फोर्थ और मोर प्रिसाइजली 0.7979 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इस बात का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल कर्व में हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? नहीं ये प्रॉपर्टी तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं. ये सर मैं ना एक कॉमर्स की बुक फॉलो कर रही हूँ पढ़ाने के लिए. तो आप कॉमर्स की क्यों है? आप स्टैटिस्टिक्स की बुक फॉलो कर रहे हैं? अभी सर मीन डेविएशन था क्वेश्चन समझ पाए क्या कहा आपने? मीन डेविएशन इज मीन जो नॉर्मल कर्व की जो प्रॉपर्टी है उनमें एक प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं मीन डेविएशन इज फोर्थ. फोर्थ क्या? वन टू थ्री फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फोर्थ हाँ, मीन डेविएशन इज फोर्थ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. नहीं नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है ये. ये कॉमर्स वाले जो है वो चीजों को या जो जनरली नहीं स्टैटिस्टिक्स के उस पे होते हैं वो हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ा हो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पे लगा दिया. आप मुझे वैसे उसमें ईमेल पे भेज देना, मैं देखूंगा क्या कह रहा है, फिर आपसे बाद में बात करूँ. यहाँ पे तो इतने लोगों के साथ में
डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम लगेगा उसमें। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर अभी हम लोग सवाल लेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा समरी करने की कोशिश करता हूं, जो हमारा एक रूटीन स्ट्रक्चर है इसका। सर ने सबसे पहले हमें जब कॉजल रिलेशन पे शुरुआत की, तो सबसे पहले जो पार्ट वन था इसका, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन का, उसको थोड़ा सा सर ने रिकैप दिया उसका, और सर ने बताया कि किस तरह कोई थीसिस आती है और फिर उस थीसिस में काम होता है, फिर उस कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन होता है, एंटीथीसिस आती है, फिर एनालिटिकल फ्रेम बनता है, फिर सिंथेसिस होता है, और फिर रिविजिटिंग ऑफ थीसिस होता है। तो इस तरह से ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये इस सिंथेसिस और ये जो एनालिटिकल फ्रेम है, इसमें हमारी बहुत मदद करती है। सर ने बताया कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज बाउंड टू फॉलो द थियोरिटिकल बेसिस टू। तो जब थियोरिटिकल बेसिस को फॉलो करता है, इसका मतलब ये टू वे चलता है। ये थ्योरी को एस्टेब्लिश भी करता है, उसको चैलेंज भी करता है, और उसको फॉलो भी करता है। कुल मिला के ये दोनों जो चीजें हैं, थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स, ये साथ साथ चलती है, और हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से की सहायता से थ्योरी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और थ्योरी को हम यूं कहें कि हम उसकी उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और यदि हमें वो चीजें नहीं मिलती तो हम उसको नकार देते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स सिंपली वेरीफाई द थ्योरी। फिर सर ने बताया कि थियोरिटिकल रिसर्च जो होती है, दैट इज मॉनिटर्ड बाय द एम्पिरिकल रियलिटी एंड देन चेक द थ्योरी वंस अगेन, देन ओनली वी विल ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द थियोरिटिकल फ्रेम। सो to examine the causal relationship, the simple thing which we follow, that is a scatter plot. हम ये जो scatter graph है उसको, और ये एक basic foundation है सर ने कहा, लेकिन इसके अंदर जो किस तरह का shape है scatter plot का, किस तरह की design है, उससे हम variables के बीच के relation निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीजें बहुत important है जब हम causal relation करते हैं। number एक, कि हमारे number of observations कितने हैं। यदि वो अच्छी संख्या में है तो हमारी कॉजल रिलेशनशिप ज्यादा व्यवहारिक होगी और उसकी एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा होगी। फिर सर ने यह बताया कि हम इसे गणितीय आधार पर भी नाप सकते हैं। स्कैटर प्लॉट उसका एक मोटा मोटा आइडिया देता है, लेकिन हम उसको गणितीय आधार पर नाप सकते हैं, और उसी के लिए सर ने फिर आगे जाके पूरी मैथमेटिकल एक्सरसाइज हमको समझाई। और सर ने बताया कि बहुत जरूरी होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के द्वारा इस बात का पता लगाते हैं कि हमने जो एक्सरसाइज की है, हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं, उनकी लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है। ठीक है, उसी के आधार पे फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। सर ने जब रिग्रेशन समझाया तो सर ने बताया कि उसमें एक रिग्रेशन लाइन होती है, और उस रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करने के बहुत ही सिंपल तरीके बताए सर ने। सर ने कहा कि रिग्रेशन लाइन की जो सिंपल इक्वेशन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें ए इंटरसेप्ट है और बी स्लोप है। ये स्लोप है, इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया शुरू में कि आपको यदि एक्स को जीरो लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ए ही फाई होता है, और अर्थात हम कहां से लाइन को शुरू करें, वो हमें एक टेंटेटिव आइडिया वहां से मिलता है। फिर सर ने बताया कि ये मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स जो है, उसको हम फॉलो करते हैं। और फिर सर ने बताया कि किस तरह से हम बी को कैलकुलेट करते हैं, पूरा फॉर्मूला बताया। एग्जांपल में सर ने स्टेप बाय स्टेप ये भी बताया कि बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें हमारे जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं उनको किस किस रूप में नए कॉलम्स में बनाना पड़ेगा ताकि हमें वो प्राप्त हो जाए। सर ने कहा कि ये रिग्रेशन लाइन जो होती है, ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है, जिसको हम OLS बोलते हैं। और ये भी बताया कि यहाँ पर हम जब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो इट इज रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन ऑफ वाई हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स है। यदि हम इसको रिवर्स करें, यदि हम इसको बोले रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो फिर हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशन भी रिवर्स हो जाएगी। सर ने बताया कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स, दैट इज टू मिनिमाइज द एरर। और सर ने बताया कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन विल बी द ओनली
ओनली लाइन फॉर वन केस, ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है ना। आप खूब सारी रिग्रेशन लाइन खींच सकते हैं, लेकिन आप यदि ये कहें कि ये रिप्रेजेंटेशन कर रही है इसका लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लीस्ट स्क्वायर का, तो वो लाइन सिर्फ एक होगी, एक एक एग्जाम्पल के लिए वो सिर्फ एक होगी। स्विच सर ने बताया कि हम यहाँ पर आर स्क्वायर निकालते हैं, और जब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आर स्क्वायर हमें एक्सप्लेनेशन देता है, तो जब हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम आर स्क्वायर निकाल के ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जिस वेरिएबल से हम चेंज बताने की कोशिश करते हैं वो कितना उस चेंज को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है, और उसके लिए फिर हम सिग्निफिकेंस टेस्ट का फॉलो करते हैं, टी टेस्ट का फॉलो करते हैं, और टी टेस्ट से हम उसको उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं कि इस आर स्क्वायर जो हमें प्राप्त हुआ है हमारे लिए इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। फिर उसके बाद सर ने बताया कि जब हम बाइवेरिएट एनालिसिस में जब हम आर स्क्वायर निकालते हैं, जो कि एस्टिमेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, इसकी इसका मूल्य सदैव एक से कम होता है, और इससे हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंज आ रहा है उस चेंज का कितना प्रतिशत हम एक्स के द्वारा समझा सकते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है दैट इज इवेल्युएटेड विद दिस, इसके द्वारा वो रिग्रेशन जो हमने रन किया उसकी क्वालिटी हम जांच सकते हैं, एंड एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिग्रेशन लाइन, और जो रिग्रेशन लाइन हमने ड्रॉ की है वो कितनी पावरफुल है उसका भी हम पता लगा सकते हैं, और यहाँ फिर से हम एफ टेस्ट का फॉलो करके और हम इसका भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। फिर सर ने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि भाई जो मल्टीलिनियर रिग्रेशन होता है एनालिसिस वो कैसे होता है, और सर ने बताया कि हम यदि फिलोसफिकल बात करें, यदि हम थियोरिटिकल बात करें, तो ये जो पूरा हमने बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस देखा है ठीक वैसा ही होता है, इसमें सिर्फ इतना सा होता है फिलॉसफी वही रहती है, लेकिन चूंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो हमारी मैकेनिज्म बदल जाती है, और सर ने उस पूरी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप हमें समझाने की कोशिश की। फिर सर ने हमें एग्जाम्पल दिया स्टेप वाइज रिग्रेशन का। स्टेप वाइज रिग्रेशन में सर ने बताया कि सबसे पहले हम सिंपल जो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालते हैं उससे हमें एक पता लग जाता है कि भाई ये वेरिएबल्स तो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है। फिर कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं उनको हम लेकर और स्टेप वाइज रिग्रेशन फॉलो करते हैं। सर ने ये स्टेप वाइज रिग्रेशन मुझे एमफिल में करवाया अभी, मेरे डिसर्टेशन में भी मैंने इस टेक्निक को फॉलो किया था। फिर यहाँ पर फिल्टरिंग होती है, और फिल्टरिंग से हम क्या करते हैं धीरे धीरे हमें जैसे हम मान लो x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये 6 वेरिएबल हमने लिए, तो सर ने बताया कि फिर हमें पता लगता है कि 1 by 1 हम देखते हैं कि हमें ये स्टेप वाइज रिग्रेशन से ये निकल कर सामने आता कि सबसे साउंड वेरिएबल कौन सा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। कई बार ये होता है कि यदि इंडिपेंडेंटली आप उसको रन करो तो दोनों के आर स्क्वायर हो सकता है एक का 50 हो दूसरे का 40 हो तो ये 90 हो गया, लेकिन आप जब उसको जॉइंटली रन करोगे स्टेप वाइज रिग्रेशन में तो हो सकता है कि वो 90 की बजाय 75 आए। तो वो ये क्या है मल्टी जो कोलिनियरिटी है इनके बीच में, इन दो वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, वो यहाँ एड्रेस हो जाती है, और इस एक्सरसाइज से हम इससे बच सकते हैं। और सर ने भी बताया कि हम इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो तरीके से कर सकते हैं एसपीएसएस में, लेकिन जनरली हम जो फॉरवर्ड मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर सर ने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये जो स्पाशल रिग्रेशन टेक्निक है, ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा अपना सकते हैं। उसके लिए हमने सर ने हमें रीडिंग्स प्रोवाइड की है, और मैं सोचता हूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो अब फर्दर रीडिंग्स में जाकर और वो वहां से इसको पढ़ के और समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कि यदि कुछ सवालात हमारे सामने हैं तो हम सर के सामने रखते हैं, लेकिन आज क्योंकि सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो इसी धुन में होंगे कि कुछ छूट नहीं जाए, तो मुझे लग रहा है कि सवाल से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण ये था कि जितना हम प्राप्त कर लें उतना कम है। फिर भी मैं देखता हूं, सर मौमिता घोष पूछना चाहती हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिजिट
प्रोबिट एंड टोबिट बाइनरी मॉडल? नहीं, ये तो हमने बताया नहीं इसमें. प्रोबिट प्रोबेबिलिटी, जब हम इसी को लॉजिक रिग्रेशन को हम एक्सटेंड करेंगे तो प्रोबिट में आता है कोविड, तो उसको अलग कभी कर सकते हैं. इसमें लॉजिक में नहीं, लॉजिक का एक्सटेंशन आएगा प्रोबिट एनालिसिस. और कोई सवाल अभी तक नहीं है सर? निश्चित रूप से यदि कोई सवाल आए तो मैं आपको ईमेल करके और मैं बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगा. और इस सेशन के बाद मैं सर एक बात आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी अभी हमने एक शॉर्ट टर्म कोर्स पूरा किया है फैकल्टी डेवलपमेंट का ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी के लिए 6 डेज का. लेकिन क्योंकि हमें हमारे बैक टू बैक लेक्चर थे आपके साथ, तो इस नेक्स्ट टाइम आफ्टर अ मंथ और आफ्टर टू मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप हमारी जो फैकल्टी है जो ज्योग्राफी पढ़ाती है उनको किसी न किसी रीसेंट एरिया के ऊपर और अपडेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि जब हम एक्सपर्ट्स से मिलते हैं और हम जब एक्सपर्ट्स को हमारे पार्टिसिपेंट के सामने लाते हैं तो हमें जब नई चीज़ें मिलती है तो बहुत खुशी होती है कि जिस जिस आत्मा के साथ और जिस उद्देश्य के साथ हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था हम काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं. और मैं सर पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार निमंत्रण स्वीकार किया. और ये आपका स्नेह है कि आप हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करके और हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. ममिता घोष को कहो आइए, उनका क्वेश्चन आप हमको भेज देना ईमेल, तो मैं अलग से उनको बता दूंगा उसके बारे में और क्या कर सकते हैं. दूसरे में हमारी किताब जो थी बहुत पुरानी हो गई, सो आई एम रिवाइजिंग द बुक. हो सकता है 6 महीने के अंदर किताब भी आ जाए वो, तो दैट वुड बी अनदर. जो हमारी पुरानी किताब है वो बहुत पुरानी हो गई है, आउटडेटेड डेटा उसमें दिया हुआ है, बहुत सी चीजें नई भी हैं उसमें. So maybe when new book would come, many of the problems would get resolved there also. और इनका मामिता घोष का अलग से, क्योंकि वो थोड़ा इससे अलग है, तो बाकियों के पास समझ में नहीं आएगा उसको. ममिता घोष से मेरा निवेदन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नंबर निकाल लीजिए और आप असलम महमूद gmail.com सीधा सा हमारा ईमेल एड्रेस है असलम महमूद, रनिंग में जैसे हमारा नाम है महमूद में MA है, ME नहीं, महमूद gmail.com. तो आप सीधा सर से संपर्क कर सकते हैं और सर आपकी क्वेरी जो है उसको अलग से जरूर सेटिस्फाई करेंगे. और अब मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक सचिव श्री OP सैनी जी से आग्रह करूंगा कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें सर का. आज के वक्ता प्रोफेसर असलम महमूद सर, आपका इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. सर आपके तीनों ही सेशन बहुत ही शानदार रहे. इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्टैटिक्स को जिस तरह आपने समझाया, रिसर्च प्रतिभागियों को बहुत ही लाभ मिला है. सर आपने आज रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से प्रतिभागियों को समझाया है. आपने जिस तरह से इस टॉपिक को प्रैक्टिकल रूप में एग्जाम्पल लेकर प्रतिभागियों को समझाया है, निश्चय ही प्रतिभागियों को अच्छा लगा. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. इस कार्यक्रम की रिपोर्ट राइटिंग का कार्य बहुत ही अच्छा किया जा रहा है. रिपोर्ट राइटिंग कमेटी की कन्वीनर डॉक्टर रेनु पुनिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. दिनांक 8 नवंबर 2020 को हुए सेशन की आज हिंदी में रिपोर्ट प्रस्तुत की आयुषी जैन ने और इंग्लिश में रिपोर्ट प्रस्तुत की अर्पिता गिरी ने. आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपोर्ट राइटिंग का कार्य कर रही है मोनिका वेस्ट रंजन मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. इस प्रोग्राम के पैटर्न को पैटर्न मेंटर कन्वीनर डॉक्टर जेडी सोनी, डॉक्टर रविंद्र कुमार एवं समस्त ऑर्गेनाइज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. साथ ही इस प्रोग्राम के जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी आभार. पुनः आप सभी का धन्यवाद एवं आभार. सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सर सेमिनार में भी आपको सुना था, सेमिनार में भी सुना था आपको, बहुत अच्छा लगा था. और
कॉलेज के सभी लोगों को अच्छा लगा, प्रबंध समिति ने भी कहा था सर को फिर बुलाएंगे, तो ये दौर चला जाएगा तो फिर हम आपको बुलाएंगे सर कॉलेज में, आशीर्वाद बनाए रखना सर। हाँ, आपका भी बहुत धन्यवाद और सारे पार्टिसिपेंट का धन्यवाद, आपने सुना हमको, इतना टाइम निकाला इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आपके ये किसी काम आ सके तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ डिजिट्स, नंबर्स का जो जमाना है, कंप्यूटर एज है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है तो आप इलिटरेट माने जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन एकेडमिक्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, और आपकी अनुमति से अब मैं मीटिंग को यहाँ पर बंद करने की इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you, sir. Thank you.